हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, आज थर्सडे है और ओम साई राम यानी कि साई बाबा जी के दिव्य संदेश है। आप ये संदेश किस जिस भी यूनिवर्स को, जिस भी डिवाइन को मानते हो, चाहे जय माता दी हो, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे जीजस हो, कोई भी हो, आप उनको याद करके ये संदेश देख सकते हैं। आपने यही मानना है कि हमें उन्हीं की तरफ से संदेश है। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, हर कोई इसको देख सकता है, जब जब जी चाहे तभी देख सकता है। तो देखते हैं साईं बाबा जी के दिव्य संदेश हमें क्या बताते हैं। ट्रस्ट, ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं मेरे पे ट्रस्ट रखो। अगर आप किसी परेशानी में हो तो मेरे पे ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर मेरे पे ट्रस्ट रखोगे तो हमेशा अपने आप को कभी भी किसी मुसीबत में होगे, मेरा साथ पाओगे और एकदम निकल जाओगे। जब तक ट्रस्ट नहीं रखते डिवाइन पे, तब तक डिवाइन की से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। पहले ट्रस्ट रखेंगे तभी तो काम चीज़ें सही होंगी। तो बाबा जी वही कहते हैं कि मेरे लिए ट्रस्ट रखो। कुछ चीज़ों के लिए ओम साई राम, आप लोग बहुत हाथ पैर मार रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो, कैरियर हो या जॉब हो, और कई बार आप कर चुके हो और दोबारा दोबारा वो चीज़ होती जा रही है, लेकिन आपको उसमें गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं जा रही, तो आप बहुत परेशान हो। तो साईं बाबा जी कह रहे हैं कि अभी उन चीज़ों का डिवाइन टाइम नहीं आया। जब डिवाइन टाइम आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाबा जी कह रहे हैं आए हो तो लाइफ में, अगर दुनिया में आए हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब भी कुछ ऐसा करो कि सब लोग आपके साथ रहें। जैसे बाबा जी दुनिया में आए थे तो हम इनको मिस करते हैं, याद करते हैं, आज संदेश भी डाल रहे हैं, यानी क्या थे, ये मैग्नेट है। अब हमारे सामने नहीं भी है, लेकिन हमारा और इनका क्या है, अभी भी कनेक्शन है। तो ऐसे मैग्नेट वाले काम करो, यानी कि आपके साथ दुनिया चले। बाबा जी कहते मैं अलग नहीं हूँ, आप और मैं एक हैं। जैसे वो कहते हैं ना, भगवान है तो भक्त है तो भगवान है, ऐसे ही बाबा जी कह रहे हैं आप और मैं एक है, हमारे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। बिलीव, बाबा जी कहते मेरे पे बिलीव रखो, विश्वास रखो, मैं हमेशा आपका उस टाइम हर चीज में आपका साथ दूंगा। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कहाँ तक आपको साथ दूंगा। मेडिटेशन, बाबा जी कह रहे हैं अगर आप परेशान हो, दुखी हो, अगर किसी की हेल्थ इशू है या किसी को कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, कई बार इंसान अपने आप से बातें करता रहता है फिर उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो आखिर में क्या कहता भी क्या करूं पता ही नहीं चलता। और कुछ लोगों को हेल्थ इशू है तो उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, कहीं सही चीज़ों को सही ढंग से रखने के लिए एक पावरफुल ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो जब इंसान होपलेस होता है तो वो ब्रेन सबसे पहले थकता है, तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए। दवाइयाँ नहीं लगेगी, वो जब तक मेडिटेशन करके अपने आप को अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो चीज़ें तभी आगे जाएगी। और मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं। इग्नोर, बाबा जी कह रहे हैं जो चीज़ें आपको परेशानी देती हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो लोग हो, जो आपको पेन देता है, जो चाहे वो आपकी पास्ट की यादें हो,
जिन चीज़ों से आपका दिल दुखी होता है, आपकी आत्मा दुखी होती है, आपका शरीर खराब होता है, तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दो। क्योंकि ज़्यादा गौर करोगे, ज़्यादा उनको अपने साथ साथ लोगे, तो वो क्या होगा, वो आपकी आने वाली चीज़ें यानी कि फ्यूचर खराब करेगी। इसलिए अपने पास्ट में हुआ हुआ खराब चीज़ें और जो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, जैसे मान लीजिए खराब लोग हैं आपके पास, तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो जो होती है वो भी पेन ही देती है। मास्टर विल, बाबा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है तो मास्टर विल से हो रहा है, यानी कि वो सुप्रीम पावर से हो रहा है जिसको आप मानते हैं, उस डिवाइन्स की वजह से हो रहा है जिसको आप मानते हैं। अगर आप अच्छे दुखी हैं, सुखी हैं, अगर आप परेशानियों का समय देख रहे हैं, अभी हम खुशियां देख रहे हो, गम देख रहे हो, कैसी भी प्रॉब्लम, तो उसको हंसते हंसते नॉर्मल वे में प्रैक्टिकल बन के हैंडल कीजिए। क्योंकि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, आपके डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। क्या पता इसके जाने के बाद जो परेशानियां हैं, कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है, कुछ ऐसा सुनहरा अवसर मिलने वाला है जिसका आपको पता ही नहीं था। बाबा जी कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको अपने कर्म कुछ खराब करे हैं और उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, चैरिटी। कभी कभी लगता है कि हमने कुछ खराब कर दिया है, या खुद को भी एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो परेशानियाँ उत्पन्न होती है, तो मन में आता है कि शायद हमने ऐसा कर दिया तभी हमारे साथ ऐसा है। तो बाबा जी कहते हैं जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ईश्वर से पूछना चाहते हो, तो क्या करो, चैरिटी करो। हेल्पफुल लोग, जो हेल्प, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्पलेस लोग को फूड, मेडिसन, क्लॉथ्स, कपड़े, दवाइयाँ, खाना, जितना आपसे हो सके उतना करो। क्योंकि जब ज़रूरतमंदों की मदद करते हो तो ईश्वर आपकी मदद करता है। बैलेंस, बाबा जी कहते हैं लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, बैलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में बैलेंस ना हो तो क्या होता है, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर शरीर में, बॉडी में खाने पीने का बैलेंस सही ना हो तो शरीर खराब होता है। अगर रिलेशन में बैलेंस ना हो तो रिलेशन खराब होते हैं। अगर अपनों के साथ, फाइनेंस में अगर हम बैलेंस लेके नहीं चलते तो आने वाला फ्यूचर हमारा ख़राब होता है। तो इसलिए बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखो। किसी भी चीज़ के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग होते हैं बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वे क्या करते हैं, खर्च नहीं करते, तो वो भी इनबैलेंस ही है। एक बैलेंस लेने का मतलब ये है कि कुछ अपने फ्यूचर के लिए जोड़ो, जो लाइफ ईश्वर ने दी है उसको दान पुण्य में लगाओ, थोड़ा अपने ऊपर खर्च करो कि गॉड ने आपको दिया है। तो ऐसे ही है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बढ़िया कार्ड है, मैं इसके बारे में क्या करूँ, लास्ट कार्ड है, डू नॉट जज, ओम साइना। बाबा जी कह रहे हैं किसी को जज मत करो। जैसे जनरली तौर पे वो इतने साल का है, उसने इतना ज़्यादा काम कर लिया, वो इतना बड़ा है, वो कोई काम नहीं करता। किसी के घर में क्या है, किसी को हर, इसने कपड़ा कहाँ से खरीदा, वहाँ इतने का, नॉर्मली घरों में ही बातें होती रहती है। किसी के रिलेशन को उछालना, किसी के पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना, बाद में हिसाब लगाना, किसी की मनी का हिसाब लगाना, उसको बोलते हैं जज करना। किसी को जज मत करो। फ्री माइंड जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उल्ट पुल्ट। इसलिए अपने आप को बिजी रखो और जज मत करो। जब आप किसी को और को जज करते हो तो आपकी अपनी चीज़ें खराब होने शुरू हो जाती है। मान लीजिए किसी के पास कितना भी फाइनेंस है, अगर कोई दूसरा इंसान हिसाब लगाता है,
वो धीरे धीरे उसका फाइनेंस अपना बिगड़ना शुरू, क्योंकि माइंड तो सामने वाले का उसी पे लग रखा है। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो, अगर कोई गलत है उसकी बार बार बातें करके क्यों अपना कर्म खराब कर रही हो, इसलिए किसी को जज मत करो। चलो एक कार्ड और निकाल देती हूँ। हाँ ये बोल रहे कार्ड, बाबा जी कह रहे हैं लाइव इन द प्रेजेंट, जिंदगी प्रेजेंट में जियो, जो जी रहे हो वही जी रहे हो, जो चला गया वो पास्ट था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है जिसका हमें किसी को नहीं पता। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा जाए, अच्छी चीज़ें आए, आपका फ्यूचर अच्छा निकले, तो आप प्रेजेंट में जियो और पास्ट को लेके नहीं, सिर्फ प्रेजेंट को लेके। कई बार पास्ट की वजह से पास्ट को मिस करते हो, पास्ट को याद करते हो, अपना प्रेजेंट को। कई बार कहते हैं ना कोई था कोमा में चला गया, उसके 4 साल निकल गए, तो क्या हुआ, उसने वो 4 साल खो दिए टेंशन ले लेके। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं प्रेजेंट में जियो, अगर प्रेजेंट में अच्छे कर्म करते हो, अच्छा चीज़ों को बैलेंस बना के रखते हो, तो आपका फ्यूचर जो है सेव है। तो ये थे ओम साईं राम जी के दिव्य संदेश। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर, कमेंट जरूर करना, और कमेंट में ओम साईं राम लिखना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और ओम साईं राम, जय माता दी।